श्री दिनेश जवाहरलाल। सुश्री सुमा सिद्धार्थ शिरूर। क्रिकेट कोच श्री दिनेश जवाहरलाल ने रोहित शर्मा, शार्दुल ठाकुर, हरमीत सिंह बधन और सिद्धेश लाड जैसे क्रिकेट खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया है। श्री दिनेश जवाहरलाल को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2022 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार जीवन पर्यंत से सम्मानित किया जाता है। पैरा निशानेबाजी कोच सुश्री सुमा सिद्धार्थ शिरूर ने अवनी लेखड़ा, ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर, शाहू तुषार माने, आशी चौकसे, सुनिधि चौहान, किरण अंकुश जाधव, प्रसिद्धि महंत, अभिनव शाह, जीना किट्ठा, आत्मिका गुप्ता और आकृति दहिया जैसे खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया है। सुश्री सुमा सिद्धार्थ शिरूर को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2022 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। एथलेटिक्स के उत्कृष्ट खिलाड़ी श्री अविनाश मुकुंद साबले ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेज में रजत पदक, एशिया चैंपियनशिप 2019 पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेज में रजत पदक जीते। श्री अविनाश मुकुंद साबले को एथलेटिक्स में उनकी उपलब्धियों को देखते हुए वर्ष 2022 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री अविनाश मुकुंद साबले। विश्व चैंपियनशिप 2021 में रजत पदक टीम और राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप 2019 में कांस्य पदक एकल जीते। सुश्री भक्ति प्रदीप कुलकर्णी को शतरंज में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2022 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सुश्री भक्ति प्रदीप कुलकर्णी। मलखम के उत्कृष्ट खिलाड़ी श्री सागर कैलाश ओवलकर ने विश्व चैंपियनशिप 2019 में पोल मलखम लॉन्ग सेट, विश्व चैंपियनशिप 2019 में पोल मलखम स्मॉल सेट एवं विश्व चैंपियनशिप 2019 में रोप मलखम लॉन्ग सेट में स्वर्ण पदक, विश्व चैंपियनशिप 2019 में रोप मलखम स्मॉल सेट और विश्व चैंपियनशिप 2019 में एकल चैंपियनशिप में रजत पदक जीते। श्री सागर कैलाश ओवलकर को मलखम में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2022 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री सागर कैलाश ओवलकर। पैरा तैराकी के उत्कृष्ट खिलाड़ी श्री स्वप्निल संजय पाटिल ने एशियाई पैरा खेल 2018 में 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक S10 में रजत पदक, एशियाई पैरा खेल 2018 में 100 मीटर फ्री स्टाइल S10 एवं एशियाई पैरा खेल 2018 में 400 मीटर फ्री स्टाइल S10 में कांस्य पदक जीते। श्री स्वप्निल संजय पाटिल को पैरा तैराकी में उनकी उपलब्धियों को मान्यता देते हुए वर्ष 2022 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री स्वप्निल संजय पाटिल।